बच्चों फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। मैं आपका नवांक सर एक बार फिर से 12वें लेक्चर को लेकर आपके सामने आ चुका हूँ। आज का जो मेन टॉपिक होने वाला है हमारे लिए वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिस पर हम लोग को बहुत सारे सवाल बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने होंगे, कैसे उनके क्वेश्चंस को डील करते हैं ये सब हमें सीखना होगा। मगर उससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में काफी सारी चीजें सीख ली थी और मेरा मानना है कि एक या दो ऐसे और फॉर्मूले हैं जो अगर आपको पता चल जाए तो शायद आप अपने जो भी मॉड्यूल या जो भी बुक फॉलो करते हो उसके और भी कई सारे क्वेश्चंस को इजीली प्रैक्टिस कर पाओगे। तो ये जो फॉर्मूले मैं आज आपको बता रहा हूँ इसका मैं डेरिवेशन आपको नहीं दिखाऊंगा, इसलिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूँ आपके लिए बिल्कुल भी खास या बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि उसका डेरिवेशन कैसे आता होगा। अगर आपको मतलब वाकई में जानना हो कि क्या जो रिजल्ट है वो कैसे आया होगा तो आप उस हिंट की मदद से भी खुद डिराइव कर सकते हो जो भी फॉर्मूले में निकाल के लाने वाला हो। तो सबसे पहले जो मैं मतलब मुझे दो ही फॉर्मूले आपको बताने, जिसमें से पहला जो फॉर्मूला मुझे आपको बताना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। यूनिफॉर्मली वर्ड को बड़ा इग्नोर नहीं करना, बहुत ही ज्यादा खास वर्ड है ये। तो एक डिस्क है मान लो मेरे पास, इस डिस्क पे मैंने एक चार्ज दिया है जो कि बिल्कुल यूनिफॉर्मली इस पूरे डिस्क पे फैला हुआ है। मान लो क्यू वो चार्ज जो मैंने इस डिस्क पे दे रखा है और ए है इस पूरे डिस्क का एरिया। तो मैं एक नया टर्म यहाँ पर मैंने डिफाइन करूंगा बेटा सिग्मा, और सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज अपॉन एरिया, याद करो मैंने आपको बताया था तीन तरीके की चार्ज डेंसिटीज के साथ हम क्वेश्चन को डील करते हैं। एक होती थी लीनियर यानी कि लैम्डा, एरियल यानी कि सिग्मा, और वॉल्यूमेट्रिक यानी कि रो। तो सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया। मुझे इस क्वेश्चन में यही बता रखा है कि इस डिस्क की सिग्मा कितनी है या फिर चार्ज डेंसिटी कितनी है, और मुझको इस पी पॉइंट पे यानी कि डिस्क की एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी जिस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो देखो ध्यान से बच्चों, जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वो फॉर्मूला है जो रिजल्ट होगा हमारा, और मैं डायरेक्ट रिजल्ट ही लिख रहा हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा मैं इसका डेरिवेशन आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा। सर कैसे आया होगा ये डेरिवेशन पर हिंट दे दो, कम से कम हम ट्राई करना चाहते हैं। बिल्कुल बेटा ट्राई करो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक काम करो आप इस डिस्क के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस ऊपर जाओ। कितना ऊपर जाओ बेटा? स्मॉल आर डिस्टेंस ऊपर चले जाओ। जब आप इस डिस्क के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस ऊपर आ जाओगे, स्मॉल आर डिस्टेंस ऊपर आओगे, यहां पे आप एक रिंग कट कर लो डीआर थिकनेस की। कितनी थिकनेस की बेटा? डीआर थिकनेस की। जब आप ये रिंग कट कर लोगे तो देखो ध्यान से, आप कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये जो एक्स पॉइंट है ये वो पॉइंट हो जाएगा जो इस रिंग की एक्सिस पे x डिस्टेंस पे मौजूद है। ये जो p पॉइंट है ये अब इस रिंग की एक्सिस पे x डिस्टेंस पे आ चुका होगा। क्या हमें रिंग का डेरिवेशन आता है? हाँ सर आता है। क्या रिंग का रिजल्ट भी पता है? हाँ पता है। शायद k³ x² / r² / 2 ये रिजल्ट निकल के आया था हमारा। तो जो भी रिजल्ट निकल के आया था हमारा हमको पता है, यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला पुट कर सकते हैं इस रिंग के लिए। बात यह है कि वहां पे क्यू कितना लोगे, चार्ज कितना लोगे, तो क्यू हो जाएगा सिग्मा 2πrdr के बराबर। देखो 2πr इज सर्कमफेरेंस, dr इज थिकनेस, तो 2πrdr हो जाएगा एरिया इस डिस्क का, सॉरी रिंग का। 2πrdr हो जाएगा इनका एरिया इंटू सिग्मा, तो हो जाएगा क्यू की वैल्यू। वो तो बस वहां पे आप सारी वैल्यूज पुट करो, रिंग के लिए फॉर्मूला निकाल लो, लास्ट स्टेप आपका बचेगा इंटीग्रेट कर दो आर को 0 से लेके a तक, आपका ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो चुका होगा। तो इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूले को अच्छे से याद रखो, वही आपके लिए काफी होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो सेकेंड फॉर्मूला है ये आपको डिराइव भी करना सीखना है, पर अभी नहीं, इसको हम लोग को गॉस लॉ की मदद से प्रूव करना होता है। और ये कुछ खास नया फॉर्मूला नहीं है, ये इसी को हम लोग और एक स्पेशल केस में जब डील करते हैं तब निकल के आता है। जैसे मान लो मैं स्पेशल केस कैसी बात कर रहा हूं बेटा, मान लो मैं कहता हूं कि डिस्क का जो रेडियस है ए, डिस्क का जो रेडियस है ए, उसके सामने ये एक्स बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, बहुत ज्यादा
छोटा हो जाए बहुत ही ज्यादा, मतलब एक्जैक्टली डिस्क के जस्ट बगल में वो पॉइंट मौजूद हो, तो उस पॉइंट के लिए डिस्क बहुत बड़ा उसे नजर आ रहा होगा, उस पॉइंट के लिए डिस्क बेटा बहुत ज्यादा बड़ा नजर आ रहा होगा। ऐसी डिस्क को जो बहुत बड़ी हमको महसूस होने लगेगी, हालांकि वो बहुत बड़ी होती नहीं है, एक्स बहुत छोटा है रियलिटी पे, चलो बेटा एक्स बहुत छोटा है, ऐसी डिस्क को हमें बोलते हैं इनफाइनाइट प्लेन डिस्क या फिर इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो हमको इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट निकालना है, कुछ खास नहीं है। इनफाइनाइट प्लेन शीट का मतलब होता है बेटा कि x जो है वो बहुत ज्यादा छोटा है इन कंपैरिजन टू a, यानी कि रेडियस ऑफ डिस्क में। अब जरा इस फॉर्मूले को बिल्कुल ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले में अगर मैंने x को a से बहुत छोटा कर दिया, x को a से बहुत छोटा कर दिया, तो ये x बहुत छोटा है और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है, तो ये बहुत छोटा अपॉन ऑलमोस्ट ए लिखा हुआ है। और कोई बहुत छोटी चीज को हम लोग किसी भी नंबर से डिवाइड करते तो वो ऑलमोस्ट टेंड्स टू क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा टर्म हम लोग इग्नोर कर देंगे और हमारा रिजल्ट बचा रह जाएगा बेटा ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। याद रखना बेटा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सपोज ये है वो मेरी प्लेन शीट, ये है वो मेरी प्लेन शीट जिसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता हूँ इनफाइनाइट। तो अगर मेरी प्लेन शीट पॉजिटिवली चार्ज है तो किसी भी पॉइंट पे फील्ड हमेशा इससे दूर की डायरेक्शन में होने वाली है, और अगर मेरी प्लेन शीट नेगेटिवली चार्ज होती बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लेट की तरफ हो रही होती। इसमें कई क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ही, इसलिए जरूरी था ये फॉर्मूला हमें पता रखना। पर हाँ, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए बहुत, और ऐसे नहीं, गॉस लॉ की मदद से हमको डिराइव करना सीखना होगा। तो जब गॉस लॉ पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में तब ये फॉर्मूला डिराइव करके आपके सामने मैं आपको दिखाऊंगा अभी, बट अभी इंपॉर्टेंट है ये दोनों फॉर्मूले आपको मेमोराइज करना होगा, यानी कि याद रखना होगा, कभी भी इसके साथ वाला है तो हम डील कर पाए इनसे। तो दोनों फॉर्मूले बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लिख के नोट कर लो अच्छे से। एक बात और, कुछ क्वेश्चंस आपको स्फीयर पे जरूर मिलेंगे आपके बुक में, सॉलिड स्फेरिकल शेल पे या फिर हॉलो स्फेरिकल शेल पे या सॉलिड स्फीयर पे, कभी कंडक्टिंग होगा स्फीयर या फिर शेल, कभी नॉन कंडक्टिंग होगा तुम्हारा स्फीयर या फिर शेल, ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से तुम कर लोगे बेटा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं इसके भी फॉर्मूले आपको बता दे रहा हूँ सारे ही, एक बार मैं स्क्वायर के भी फॉर्मूले सारे बता दे रहा हूँ, पर हाँ डेरिवेशन अभी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जब गॉस लॉ पढ़ेंगे तो वहां पर डेरिवेशन मैं आपको सिखा दूंगा, तो बहुत ध्यान से देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखो। जब हम लोग स्फीयर से बात करते हैं तो दो तरीके के हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, पहला सॉलिड और दूसरा हॉलो, सॉलिड स्फीयर और हॉलो, ठीक है। इन दोनों में भी दो दो चीजें होती हैं, ध्यान से समझो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, हाँ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो में भी दो चीजें होंगी, हॉलो में भी दो चीजें होंगी, पहला नॉन कंडक्टिंग और दूसरा कंडक्टिंग। तो हम लोगों को चार तरीके के स्फीयर्स के प्रॉब्लम से डील करना होता है। जब हमारा स्फीयर हॉलो है, हॉलो के साथ साथ नॉन कंडक्टिंग है, हॉलो के साथ साथ कंडक्टिंग है, सॉलिड के साथ साथ नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड के साथ साथ कंडक्टिंग भी है, ये चार तरीके के अलग अलग केस बनते हैं स्फीयर के। पर अच्छी बात ये है कि इन चार में से इन तीन केस का हॉलो के दोनों और सॉलिड के कंडक्टिंग का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सेम है। हॉलो के दोनों ही और सॉलिड के कंडक्टिंग का रिजल्ट जो है वो बिल्कुल बेटा सेम होगा। नॉन कंडक्टिंग में भी तीन में से दो फॉर्मूले सेम होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला चेंज हो रहा होगा। तो पहले मैं वो जनरल फॉर्मूले बता दूं आपको जो चारों के लिए बिल्कुल सही होने वाले हैं, जो चारों के लिए बिल्कुल सही होने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से देखो, मान लो ये आपके पास एक स्फेरिकल शेल है या फिर स्फीयर है, जो भी है हमें नहीं पता, शेल भी हो सकता है और ये स्फीयर भी हो सकता है। एक बार बस मुझे कंफर्म कर लेने दो बेटा कि आपको दिख रहा है कि नहीं।
हाँ ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझो, इस पे क्यों चार्ज मौजूद है? अभी इस पे कितना चार्ज मौजूद है बेटा? क्यों? मैं एक बार आपको केस बता रहा हूं, ये तीनों, मैं ये तीनों केस आपको लेके चलता हूं। तो देखो, जब हॉलो होगा तो इसका मतलब चार्ज सारा कहां होगा? बाहर सरफेस पे। कंडक्टिंग है, हॉलो है, सरफेस पे रहेगा चार्ज। हॉलो है तो सरफेस पे रहेगा चार्ज, उसके पास ऑप्शन नहीं है चार्ज के पास कहीं और जाने का। सॉलिड में जब कंडक्टिंग होता है, सॉलिड में जब कंडक्टिंग होता है बेटा, तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो चार्ज कभी अपने अंदर नहीं रखता, चाहे भले ही भरा हुआ हो, कितना भी डेंस कंडक्टर हो, वो चार्ज हमेशा कहां उठा के फेंक देगा बेटा? बाहर उठा के अपने सरफेस पे निकाल के रख देगा। तो विद इन बाउंड्री रहेगा कंडक्टर के, पर ऑन द सरफेस रहेगा। याद रखने चीज, चार्ज हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे रहेगा। ये भी क्यों होता है? एक भी सवाल का बेटा ऐसा, एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो मैं आपसे बोलूंगा कि रट लो, तुम्हारे काम का नहीं। क्यों होता है ऐसा, एक्सैक्ट रीजन दूंगा, बस वक्त का इंतजार करो। सही वक्त तो तुम्हें सब पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। अभी सर कह रहे हैं तो कहना मानो। याद रखो कि कंडक्टर पर चार्ज हमेशा कंडक्टर के आउटर सरफेस पे आके बैठ जाता है। तो देखो ध्यान से, चाहे ये हॉलो हो तो भी अंदर चार्ज नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर सॉलिड कंडक्टिंग है तो भी चार्ज अंदर नहीं रह सकता, पॉसिबिलिटी नहीं। चार्ज हमेशा कहां रहेगा बेटा? सरफेस पे रहेगा। तो मान लो मैंने इसको क्यू चार्ज दे रखा है, कितना चार्ज दे रखा है बेटा? मान लो मैंने इसको क्यू चार्ज दे रखा है, तो मुझको क्या क्या पढ़ना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में? पहला, कि इस क्यू चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पी जो कि इनसाइड है, इनसाइड स्फेरिकल शेल या स्फीयर है, उस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? किसी पॉइंट क्यू पे जो कि सरफेस पे है, उस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? और किसी पॉइंट आर पे जो कि बाहर है स्फीयर के, उस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती होगी? तो देखो, एक एक करके मैं तीनों फॉर्मूले आपको बता दूं। पहला इनसाइड कभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। फिर इसका जवाब चाहिए तो याद करो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां हुआ करती थी भाई? तभी तो आंसर क्या आ रहा है, सीधे सीधे जीरो आ रहा होगा। तो किसी भी हॉलो स्फीयर के अंदर या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हमेशा क्या रहने वाली है? जीरो रहने वाली है। चलो ध्यान से समझो, बिल्कुल ध्यान से समझो। दूसरा, ऑन सरफेस, एक सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस यानी कि क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा? क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है E = kQ/r². ये कैपिटल आर है बेटा। कैपिटल आर क्या चीज है सर? कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। तो KQ/r² ये फॉर्मूला कैसे याद रखे सर? हमको तरीका तो बताओ क्या बेटा, तुम्हें पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला याद है? KQ/r² वही लिखा है ध्यान से, बिल्कुल वही फॉर्मूला है, कुछ खास नया फॉर्मूला नहीं है। तो याद रखना, इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं होने वाला है। तो इनसाइड हो गया, ऑन द सरफेस हो गया, और तीसरा जो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा बेटा वो होता है आउटसाइड। तो आउटसाइड के लिए क्या फॉर्मूला होता है बेटा? सिंपल सी बात है, जो डिस्टेंस अभी कैपिटल आर थी वो बदल के स्मॉल आर बन जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा KQ/r², जहां पे स्मॉल आर क्या है बेटा? स्मॉल आर है उस बाहर वाले पॉइंट की सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल या फिर स्फीयर से दूरी। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, जो तीनों ही फॉर्मूले किस किस केस में एकदम सही होते हैं बेटा? जब हमारा स्फीयर हॉलो होता है, हॉलो के साथ चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, रिजल्ट यही रहेगा। साथ साथ अगर हमारा स्फीयर सॉलिड भी है और सॉलिड के साथ साथ कंडक्टिंग है, तो भी ये तीनों ही फॉर्मूले बिल्कुल सही होने वाले हैं वहां पे। तो भी ये तीनों फॉर्मूले बिल्कुल बेटा सही होने वाले हैं। चलो और देखो सर, और दिखाओ सर, अगर नॉन कंडक्टिंग है सॉलिड में तो क्या होगा? अगर नॉन कंडक्टिंग है तो क्या होगा? बिल्कुल ध्यान से सुनो, नॉन कंडक्टिंग में भी ऑन सरफेस फॉर्मूला बिल्कुल नहीं बदलेगा, KQ/r² आउटसाइड फॉर्मूला नहीं बदलेगा, KQ/r² इनसाइड सिर्फ एक ये फॉर्मूला है जो चेंज हो जाएगा।
सिर्फ एक ये फॉर्मूला है जो चेंज हो जाएगा। मान लो मैं जिस पॉइंट पी पे अब निकालना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो मेरी बात सुनो, मैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की बात कर रहा हूँ, मतलब अब चार्ज हर जगह फैला हुआ है क्योंकि ये सॉलिड है, अब चार्ज हर जगह फैला हुआ है और मुझे किसी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो कि सेंटर से मान लो स्मॉल ए दूरी पे हो, मान लो स्मॉल ए दूरी पे हो, तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा E इज इक्वल टू के क्यू ए बाई आर क्यूब, के क्यू ए बाई कैपिटल आर का क्यूब, जहां पे कैपिटल आर क्या है बेटा, इस स्फीयर का रेडियस है, ए क्या है उस पॉइंट की सेंटर से दूरी जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता करना था। इसको एक और तरीके से भी कई बुक्स में दिया जाता है, ई इज इक्वल टू रो ए बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, रो ए बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट। तो ये कुछ रिजल्ट्स है बेटा जो आपको याद रखने होंगे। ये रो क्या आ गया सर, फिर एक नया टर्म आपने इंट्रोड्यूस करा दिया, नहीं बेटा नया नहीं है, मैंने तो पहले भी बताया था डेंसिटी तीन तरीके की होती है, जब सॉलिड है स्फीयर है तो वॉल्यूम हुआ ना बेटा, तो वॉल्यूम के केस में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में जरूर, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं बेटा जो आप जरूर याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड के, ताकि आपके क्वेश्चंस और आसानी से आपसे सॉल्व हो सके। उसके बावजूद कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे बेटा, उसके लिए परेशान नहीं होना। ये रिजल्ट मुझे अभी याद कराने का मकसद बस इतना सा था, ताकि जब मैं आपको पोटेंशियल के फॉर्मूले इसी चैप्टर में बताऊंगा, जब मैं आपको पोटेंशियल के फॉर्मूले इसी चैप्टर में बताऊंगा, तो उसके डेरिवेशन के दौरान हम लोग बिल्कुल अनजान ना रहे इन सारे टर्म से, इसलिए ये फॉर्मूले जानना जरूरी था। मेरा सजेशन मानो, अगर तुमसे स्फीयर के या स्फेरिकल शेल के क्वेश्चन सब नहीं बनते हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यकीन मानो जितनी जल्दी ये चीज खत्म हुई है ना, इसे कई ज्यादा समय लगेगा इसी चीज को एक एक चीज समझने में पढ़ने में, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में आएंगे। एक एक टर्म एक एक फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा हुआ है सब डिराइव करना बेटा तुमको सिखाऊंगा मैं, मेरा वादा है तुमसे। लेकिन अभी बस मेरा कहना मानो, बस किसी तरीके से भी ये सारे फॉर्मूले अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बसा लो, इनका ग्राफ व्राफ सब पढ़ाना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनका ग्राफ, चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो कंपटीशन हो, तो बिल्कुल याद रखना ग्राफ पढ़ाना है। ये तो मैंने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो कैसे करेंगे सवाल, सब सिखा रहा है आपको, बिल्कुल परेशान मत होना। तो इतनी चीजों को नोट करो बेटा, मैं टॉपिक तुम्हारा शुरू करता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलो इसको नोट करो बेटा अच्छे से। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को 11th में जब जब पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करके दिखाया है, मैंने ये आपको जरूर बोला होगा कि क्या पोटेंशियल एनर्जी के बिना चैप्टर कंप्लीट ना हो पाता, बिल्कुल होता, जो पोटेंशियल एनर्जी के बिना हमारा हर चैप्टर कंप्लीट हो पाता है। फिर हम बार बार पोटेंशियल एनर्जी को क्यों लेके आते हैं, आखिर क्या जरूरत है हमको पढ़ने की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो याद रखना बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जिस बच्चे को बहुत तगड़े तरीके से क्लियर हो जाता है, वो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स जो होते हैं जिसमें काफी सारी कैलकुलेशन होती है, उसे मात्र दो लाइन में करना सीख जाता है। ये इंपॉर्टेंस है पोटेंशियल एनर्जी की। तो चलो समझते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या चीज, चलो मेरी बात समझो। मान लो पूरी दुनिया में कोई चार्ज नहीं है, एक इस क्यू चार्ज के अलावा। मस्त बेचारा अपना पड़ा रहेगा, इसको दुनिया से कुछ लेना देना है ही नहीं, इसको कोई तकलीफ नहीं है इस दुनिया से। पर अगर मैं इस चार्ज के साथ साथ इस दुनिया में एक और चार्ज ले आऊं, जिसको मैं इससे कुछ स्मॉल आर दूरी पर लाके रख दूं, मान लो क्यू, दोनों ही पॉजिटिव है, क्या लगता है ये क्यू अब यहां टिकेगा कि भाग जाएगा दूर? हाँ सर, इसकी वजह से इसको रिपल्शन मिलेगा तो ये भागेगा। क्या इसकी वजह से उसे भी रिपल्शन मिलेगा? हाँ सर, ये भी भागेगा। मतलब ये दोनों चार्ज रुके नहीं होंगे, ये भागना चाहते होंगे इधर उधर। अब ऐसे में अगर मुझे दो चार्ज को एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रोक के रखना है, मेरी बात ध्यान से समझो, जब हम ऐसा करते हैं तो हम एक्चुअली सिस्टम बना रहे होते हैं चार्ज का। क्या बना रहे होते हैं बच्चों? सिस्टम बना रहे होते हैं। एक सिस्टम में दो चार्ज होंगे कम से कम, एक अकेला चार्ज कभी सिस्टम नहीं बनाता। तो दो चार्ज का सिस्टम हो, तीन चार्ज का सिस्टम हो, मैं तीन चार्जेस को इक्विलेटरल ट्रायंगल पर रखना चाहता हूं, मैं तीन चार्ज को राइट एंगल ट्रायंगल पर रखना चाहता हूं, मेरे पास चार चार्ज है मैं उसे रेक्टेंगल के कॉर्नर पर रखना चाहता हूं, या स्क्वायर पे या रोम्बस पे या किसी भी पॉलीगॉन पर रखना चाहता हूं, तो मुझे सिस्टम फॉर्म करना होगा। इसका मतलब ये सारे अलग अलग सिस्टम है, जिसमें चार्ज का ओरिएंटेशन अलग अलग तरीके से हो रहा है। बस अब मेरी बात ध्यान से समझो,
अगर मुझे दो चार्ज का एक सिस्टम फॉर्म करना है, मतलब मुझे दो चार्ज को एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रोकना है एक दूसरे के लिए, रोकने के लिए क्या ये खुद से रुकेंगे? नहीं सर, खुद से तो नहीं रुकेंगे। तो क्या करोगे? पकड़ के रखना पड़ेगा ना भाई, इसको होल्ड करना पड़ेगा। तुम होल्ड करोगे या तुम कोई मैकेनिज्म का यूज करोगे, कील ठोकोगे, मार दोगे, कुछ तो करोगे ना भाई। तो तुम जब भी ऐसा काम करोगे, महसूस करो अपने हाथ को एक बार चार्ज को रोकने के लिए, क्या तुम्हें कुछ ना कुछ इस पर लगातार वर्क करना पड़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही चार्ज तुम्हारे को पुश करना चाहते होंगे, तुमको फोर्स दे रहे होंगे। तो तुम्हें कहीं ना कहीं उनके फोर्स को अपोजिट सेंस में काट कर इसको यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करनी पड़ रही होगी। जब तुम इसको कई देर से होल्ड करने की कोशिश करोगे, तो तुम अपनी एक एनर्जी इनको स्टोर करवा दोगे। क्या करोगे बेटा? एक एनर्जी इनको स्टोर करवा दोगे, और इन सिस्टम में स्टोर होने वाली एनर्जी ही कहलाएगी बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इस सिस्टम में स्टोर होने वाली एनर्जी ही क्या कहलाएगी बेटा? इस सिस्टम में स्टोर होने वाली एनर्जी क्या कहलाएगी बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है सर? बहुत ध्यान से समझना। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एनी एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ चार्ज। देखो पहले से ये चार्ज मौजूद था, डेफिनेशन ध्यान से समझना। तो ये आया कहां से है? ये आया कहां से है? इंफिनिटी से, क्योंकि मैंने कहा था पहले सिस्टम में कोई दूसरा चार्ज मौजूद नहीं है। तो इट इज अ अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ फाइनाइट डिस्टेंस फॉर अ गिवन चार्ज वेरी स्लोली। हमें बहुत धीरे करना है ये काम, ऐसे नहीं एकदम हड़बड़ा के लाके रख दिया लो सिस्टम बना दिया, ऐसे नहीं करना है, बहुत धीरे से लाके रखना है ताकि काइनेटिक एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट ना हो पाए। बेटा हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है, अगर हमने काइनेटिक एनर्जी को भी इन्वॉल्व किया तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट होना पड़ेगा। हम नहीं चाहते हैं ऐसा, हम पूरा का पूरा वर्क चाहते हैं कि वो एनर्जी सिस्टम की बन जाए। तो फिर से डेफिनेशन ध्यान से सुन लो। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम infinity to a finite distance for second given charge very slowly। ये जो वर्ड है ना very slowly, हद से इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन में, इसको भूलना नहीं। तो इसकी डेफिनेशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगी आज, आप पीडीएफ से अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हो। चाहो तो मेरी वीडियो को एक दोबारा पीछे ले जाकर मेरी ही शब्दों को नोट कर सकते हो आप, जैसे भी आपको ठीक लगे आप उसे करो। अब आखिर ये कैसा होता है, कितना होता है, मैं इसका एक छोटा सा डेरिवेशन दिखाता हूं कि आखिर दो चार्जेस के बीच अगर फाइनाइट डिस्टेंस आ रहे हैं तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। इसका फॉर्मूला मैं आपको सिखाने जा रहा हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके लिए, बिल्कुल ध्यान से समझो, बिल्कुल ध्यान से समझो बेटा। मुझे स्टार्टिंग में ये पता है कि एक चार्ज है Q, और एंड होते होते मुझे ये पता है कि एक और चार्ज स्मॉल Q को मुझे R डिस्टेंस पर लाकर रख देना है। ये पता है, इस स्टार्टिंग से एंड के बीच की भी एक सिचुएशन होगी ना बेटा, जब ये स्मॉल Q कैपिटल Q से कुछ x डिस्टेंस पे आ चुका होगा। अभी देखो इनफिनिटी से ला रहा हूं मैं, कहां से ला रहा हूं बेटा? इनफाइनिटी से ला रहा हूं। अगर मैं इनफिनिटी से ला रहा हूं तो पहले ये चार्ज जो है Q, इसको मैं लाऊंगा 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 लाऊंगा, पहले ये x तक आएगा, उसके बाद ना r तक आएगा बेटा। तो मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि कभी ना कभी इनके बीच की डिस्टेंस बेटा x भी होने वाली है। किनके बीच की डिस्टेंस की बात कर रहा हूं सर? इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहा हूं बेटा, मैं इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, जब क्यू तुम्हारा यहां पे आया था। अभी तो क्यू तुम्हारा फाइनली यहां पहुंचाना है अभी, लेकिन तुम्हारा क्यू सिचुएशन में यहां पहुंचा हुआ है। इसके ठीक बाद मुझे अब इसको और आगे लाना है, तो मान लो थोड़ा सा इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाए बेटा? dx हो जाए। और कितना डिस्प्लेस करने वाला हूं मैं अभी तुरंत इसको? dx। अब मेरी बात सुनो, ये dx नहीं है एक्चुअली, ये है माइनस dx। सर ये कैसे भाई, तो आप नई बात कर रहे हो? अरे बिल्कुल नई बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात सुनो। व्हाट इज dx? फाइनल x माइनस इनिशियल, x2 माइनस x1। जब ये बॉडी लगातार, अच्छा x किसके टर्म्स में डिफाइंड है? इसके टर्म्स में, मतलब ये 0 0 है, ये है ओरिजिन हमारा। तो देखो जरा क्या समय के साथ साथ जब ये पार्टिकल इसकी तरफ आ रहा होगा, क्या x लगातार घट रहा होगा? हाँ सर, x लगातार घट रहा होगा। तो जो बाद वाला x है क्या वो पहले वाले से छोटा होगा? हाँ सर, बाद वाला x पहले वाले x से छोटा होगा। और बाद वाला x पहले वाले x से छोटा होगा तो बाद वाले x में से पहले वाला x माइनस करोगे तो बेटा क्या मिलेगा? dx मिलेगा कि माइनस dx मिलेगा? सर 5 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस 1 मिलेगा। वैसे ही बाद वाले x में से पहले वाले x माइनस करोगे तो बेटा
माइनस dx मिलेगा, प्लस dx नहीं मिलेगा, प्लस dx नहीं मिलेगा। दूसरी कहानी समझो यहाँ पे, तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम डेरिवेशन पे माइनस dx क्यों पुट करते हैं। कई लोगों को इसका जवाब नहीं पता है, हमें जवाब पता होना चाहिए। दूसरी चीज, जब इन दोनों के बीच का सेपरेशन x था तो इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा ना, कितना लग रहा होगा जरा बताओ, F इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा होगा सर, K Q1 Q2 by X square, इतना लग रहा होगा सर। क्या श्योर इतना लग रहा होगा? हाँ सर, किधर लग रहा होगा? पॉजिटिव ने पॉजिटिव को दूर धक्का दिया होगा। अब अगर मुझे अपने चार्ज पार्टिकल को बहुत स्लोली खींचना है, कैसे खींचना है बेटा? बहुत स्लोली खींचना है, किसकी तरफ? स्मॉल आर डिस्टेंस पर लाने की तरफ। तो क्या मुझे इस तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा सर। कितना लगाना पड़ेगा कि उसको स्पीड ना मिले? कितना लगाना पड़ेगा कि उसको स्पीड ना मिले? उसको किसको? उस छोटे वाले क्यू चार्ज को स्पीड ना मिल जाए, उसके लिए कितना लगाना पड़ेगा? सर स्पीड तो तब होगी ना जब एक्सेलरेशन होगा। आप एक्सेलरेट ही मत करवाओ, क्या ना करवाओ? एक्सेलरेट ही मत करवाओ। और सिस्टम एक्सेलरेट सिर्फ तब नहीं करता है जब सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए? ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो होना चाहिए। तो जो एक्सटर्नल फोर्स मुझे लगाना पड़ रहा है, पहली बात तो किधर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो ध्यान से, इस क्यू ने इस क्यू पे उधर लगाया होगा, तो जो एक्सटर्नल फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा, F external, जो external force मुझे लगाना पड़ेगा बेटा, वो exactly कितना होने वाला है? देखो ध्यान से, K capital Q small q by x square के बराबर ही होने वाला है, पर इस डायरेक्शन में। तभी तो नेट फोर्स ऑलमोस्ट जीरो, एक्चुअली इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, एक्चुअली इससे थोड़ा बहुत ज्यादा ही थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो जब बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा है तो मैं इसे यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये मान के चलता हूं कि एफ एक्सटर्नल इज Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर और वो इस डायरेक्शन में है। अभी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या थी? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या कैलकुलेट करना है? देयरफोर छोटा सा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा? छोटा सा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा? तो छोटा सा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा छोटा सा फोर्स, यानी कि जो भी फोर्स है, इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। वो क्या है बेटा? माइनस डीएक्स है सर, माइनस डीएक्स है। बहुत बढ़िया, शानदार। जरा पुट करो सब कुछ यहाँ पे, ये निकल के आएगा इंटीग्रेट कर दो। देखो ध्यान से, अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूं, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। यहां से टोटल वर्क बाई एक्सटर्नल निकल के आएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स। कहां से कहां तक है x? सर x इज फ्रॉम इंफिनिटी, देखो अब लिमिट सही लग गई ना, x इज फ्रॉम इंफिनिटी टू स्मॉल r। मुझे इनफाइनाइट से लाना है कहां तक बेटा? स्मॉल r तक। चलो ध्यान से देखो इसको, बहुत ध्यान से देखो। क्या मैं इसको लिख लूंगा माइनस का k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस 1 अपॉन एक्स। क्या होता है बच्चों? माइनस 1 अपॉन एक्स, लिमिट इंफिनिटी से लेके स्मॉल आर। जरा पुट करो दोनों लिमिट। जब आप लिमिट सही से पुट करोगे तो ये वर्क निकल के आएगा, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल निकल के आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, प्लस वर्क निकल के आएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई R के बराबर, K कैपिटल Q स्मॉल Q बाई R के बराबर। जरा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो बेटा, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। क्या मुझे वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट मिल गया है? अगर मुझे एक चार्ज पार्टिकल को बहुत ही स्लोली इनफाइनाइट से R डिस्टेंस पे लाना था तो हाँ सर, मिल गया है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। अगर मुझे वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट मिल चुका है तो बस मुझे पता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है वही तो सिस्टम की क्या बनता है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी बनता है। वही सिस्टम की क्या बनता है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी बनता है। बिल्कुल ध्यान से देखो, तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी यानी कि यू, कैपिटल यू या फिर स्मॉल यू, सॉरी बड़ा ही यू से हम डिफाइन करेंगे इसको, यू इज एक्चुअली के क्यू क्यू बाई आर। ये होती है दो चार्जेस के बीच बनने वाली सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर इफ टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस आर, देन पोटेंशियल एनर्जी फॉर सच अ सिस्टम विल बी के क्यू वन क्यू टू बाई डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, दैट इज के क्यू वन क्यू टू बाई स्मॉल आर। बहुत ही ज्यादा आसान फॉर्मूला। डेरिवेशन में पूरा रिपीट करो, ध्यान से सुनो।
बहुत इंपॉर्टेंट, कहां गलती करते हैं बच्चे सुनो, इस डीएक्स को माइनस नहीं लेते हो, एक गलती हो जाती है, नहीं लोगे तो बेटा यहाँ एक माइनस आ जाएगा लास्ट में, तुम्हारा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। दूसरा, वेरी स्लोली वर्ड को ध्यान में नहीं रखते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि सर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और एफ एक्सटर्नल आपने बराबर बराबर कैसे लिख दिया, क्योंकि बेटा मुझे वेलोसिटी नहीं लाने देना है ना, एक्सेलरेटी नहीं करवाना है, इसलिए मैंने एफ एक्सटर्नल को लगभग लगभग एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर मान के रखा है। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, बहुत ही ज्यादा आसान सा डेरिवेशन था, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने देखा, वहां से एफ एक्सटर्नल, छोटा सा वर्क बाय एक्सटर्नल, उसके बाद इंटीग्रेशन किया, सिंपल इंटीग्रेशन से मेरा रिजल्ट आ चुका है। ये क्वेश्चन या फिर ये फॉर्मूला कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो वीडियो को पॉज करो, बहुत ही तमीज से ये पूरा का पूरा फॉर्मूला अपनी कॉपी में नोट करो। मैं आपको और कुछ चीजें बताना चाहता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो। जब भी हम लोगों ने पहले भी कभी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा, कहां पढ़ा है सर, पहले कभी पढ़ा है क्या? मैं याद कराता हूं आपको बेटा, जब आप बहुत छोटी नर्सरी केजी क्लास में रहे होगे तब आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर आप थोड़े से और बड़े हुए फर्स्ट सेकंड क्लास में आए होगे तो आपने पढ़ा होगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे पहले भी आपने बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ रखा था, और जब जब आपने इतिहास में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा है तब तब आपको याद रखना पड़ता होगा या फिर याद रखा होगा आपने कि जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी के साथ डील कर रहे होते हैं हम एक रेफरेंस डिसाइड करते हैं, रेफरेंस मतलब एक ऐसी जगह जहां की पोटेंशियल एनर्जी हम क्या मान के चलेंगे बच्चों, जीरो मान के चलेंगे। क्या अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में अर्थ की सरफेस को ही हम लोग जीरो मानते थे, तभी तो एच हाइट का फॉर्मूला एमजीएच आता था। क्या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में मीन पोजीशन पे स्प्रिंग की एनर्जी को जीरो माना करते थे, मीन पोजीशन पे नहीं सर, ज्यादा अच्छे से बोलो, क्या नेचुरल लेंथ में पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते थे, तभी तो बाकी किसी लेंथ में पोटेंशियल निकल के आया करता था? हां सर आया करता था। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी तो एक रेफरेंस होगा, बिल्कुल है। मैं तुमको और सही से दिखाता हूं फॉर्मूला, याद रखना रेफरेंस पॉइंट हमने कहा माना है फॉर आर टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब जब चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट पे होता है, जरा देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई इंफिनिटी, क्या समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज जीरो, तो ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी जीरो जब पार्टिकल कहां है बेटा इंफिनिटी पे। कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते चलना। तो हमने रेफरेंस कहां माना है, इसका मतलब रेफरेंस इज एट इंफिनिटी, हमारा ये रेफरेंस हो गया, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। दूसरा अगर एक चार्ज q दूसरे चार्ज स्मॉल q से मान लो स्मॉल r दूरी पे था तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली होती है वो होती है कि q by स्मॉल r, ये होती है। इसको और तरीके से समझो बेटा, एक्चुअली हम पोटेंशियल एनर्जी कभी नहीं निकाल सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। जब तुम एक्चुअली वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी निकालते हो ना तो वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। वो क्या होता है बेटा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको मैं ज्यादा अच्छे से लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिखना पसंद करूंगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज एक्चुअली के क्यू क्यू बाई आर माइनस के क्यू क्यू बाई इंफिनिटी। मैं इसको ऐसे लिखना पसंद करूंगा और मुझे पता है कि ये चीज जीरो होती है क्योंकि ये चीज जीरो होती है, यही तो मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको क्लियर किया। तो फाइनल एक पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी के क्यू वन क्यू टू बाई आर, इसमें कोई समस्या? अब बिल्कुल ध्यान से सुनो, एक और रिलेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता है कि क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नीट्यूड में ऑलमोस्ट सेम लेके डिराइव किया है हमने फॉर्मूला, सिर्फ अगर कुछ डिफरेंस था तो डायरेक्शन में था, तो हमेशा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एक्चुअली नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर आएगा। सर ये कौन से कंजर्वेटिव फोर्स की आप बात कर रहे हो, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा हूं, या मैं इसको ऐसे अच्छा लिख देता हूं, माइनस ऑफ वर्क डन बाय एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर आएगा। और मुझे पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो यहां से एक और रिलेशन निकल के आता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ये चारों ही रिलेशन हद से ज्यादा जरूरी है,
आपको भी बिल्कुल ऐसे ही याद होने चाहिए जैसे ये मुझको याद है, ऐसे ही याद रखना है बेटा जैसे कि मुझको याद है। तो अगर मुझको किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पता है, मुझसे वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले तुरंत बता सकता हूँ। मुझे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पता हो, मुझसे वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट पूछ ले बता दूंगा। मुझको पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पता हो और मुझे वर्क डन पे एक्सटर्नल एजेंट पता हो और मुझे बाकी दोनों चीजें पूछ ले मैं बता सकता हूं, अगर मेरे दिमाग में ये चारों पॉइंट बिल्कुल तरीके से क्लियर है तो। बिल्कुल तरीके से क्लियर है तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। पहले ये पॉइंट सारे अच्छे से नोट कर लो अपनी कॉपी में, वीडियो को चाहो तो पॉज कर लो। अगला पॉइंट देखो ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी बेटा? स्केलर क्वांटिटी होगी। स्केलर क्वांटिटी होगी तो याद रखना कि जब तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे, जब भी तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे, इसमें जो भी चार्जेस हैं, जो भी चार्जेस हैं, उनको उनके हमेशा उनके साइन के साथ ही यूज करना। इसी गलती नहीं करना कि आप साइन का इस्तेमाल ना करो, उनको हमेशा उनके साइन के साथ यूज करना है। अब सोचो अगर एक चार्ज पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो ओवरऑल ये टर्म कैसा आएगा बेटा? नेगेटिव आएगा। दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव आता, दोनों पॉजिटिव होते तो नेगेटिव आ रहा होता, सॉरी दोनों पॉजिटिव होते तो पॉजिटिव आ रहा होता। कहने का क्या मतलब है? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो भी हो सकती है, जीरो से कम भी हो सकती है और जीरो से ज्यादा भी हो सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव एंड कैन बी जीरो फॉर अ गिवन सिस्टम। तो ध्यान से समझना, पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर व्हेनेवर वी आर गोइंग टू पुट चार्जेस इन द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी द चार्जेस विल बी प्लेस्ड अलोंग विद देयर साइन। और दूसरी बात मैंने क्या बोली? दूसरी बात मैंने बोली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन बी पॉजिटिव कैन बी जीरो एंड कैन बी नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस, डिपेंडिंग अपॉन कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमको ये कुछ कुछ छोटी छोटी बातें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जान लेना। और बहुत सारे और पॉइंट्स हैं जो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मुझे अभी तुमको सिखाने हैं, जो मैं न्यूमेरिकल्स या फिर क्वेश्चंस के बेसिस पे एक एक क्वेश्चन उठाऊंगा, उसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा और न्यूमेरिकल सॉल्व करता चला जाऊंगा। उससे पहले बिल्कुल छोटी छोटी जो बातें मैंने आपको बताई उनको अच्छे से नोट कर लो बेटा। रिक्वेस्ट है तुमसे एक बार फिर से पीछे जाओ और पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले का डेरिवेशन बहुत ध्यान से समझ लो। आखिर क्या रिलेशन है पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट में और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर कंजर्वेटिव फोर्स में, सारी चीजें बहुत ही तरीके से अपने दिमाग में बैठा लो और उसके बाद अब ये जो आज का लेक्चर है उसको देखना शुरू करना। चाहो तो आराम से 10-15 मिनट में पहले रिवाइज कर लो फिर वीडियो आके देखो, ताकि तुमको ऐसा ना लगे कि आज बहुत ज्यादा ही कंटेंट इकट्ठा हो गया है। चलो मैं वीडियो यहाँ पे रोक रहा हूं, तुम आराम से सारी चीजें नोट करो। तो चलो बच्चों, अभी हम लोगों ने आपको, अभी मैंने आपको दो चार्जेस के लिए, दो चार्जेस के सिस्टम में क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है मैंने ये आपको सिखा ही दिया था। मैं आपको और भी कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ और भी इलस्ट्रेशंस लेता हूँ, ताकि किसी सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है इसमें आप बहुत अच्छे से माहिर हो जाओ। तो देखो मैं आपके सामने दो और क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन में जो कि पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तीन चार्जेस का सिस्टम है, बल्कि उस क्वेश्चन में मैंने चार चार्ज का सिस्टम लिया है, होमवर्क में मैं आपको आठ चार्ज का सिस्टम दूंगा। बहुत ध्यान से देखो, मुझसे कह रहा है कि तीन चार्जेस हैं Q1 माइनस Q2 और प्लस Q3। ये तीनों ही किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं बेटा? कॉर्नर पे, और ट्रायंगल की हर साइड डी के बराबर है। तुमसे कहता है कि अगर ये तीनों चार्ज मिलकर एक सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं, पहली बात तो क्या ये सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं? हाँ सर, एक से ज्यादा चार्ज है तो सिस्टम फॉर्म हो रहा है। और अगर सिस्टम फॉर्म हो रहा है तो सीधी सी बात है, हमको क्या बताना बचा रह गया बेटा? हमको बताना रह गया है कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। बहुत ध्यान से समझो, पोटेंशियल एनर्जी लिखना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं होती है। मैं कैसे करता हूं, मैं वही तरीका आपको बता रहा हूं। मैं सबसे पहले पहले चार्ज पे जाता हूं, पहले चार्ज से दूसरे चार्ज का जो इंटरेक्शन है उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख लो। क्या सर वो आ जाएगी? के Q1 और Q2 नेगेटिव है, मैंने पहले का चार्ज को साइन के साथ रखोगे तो माइनस Q2 अपॉन बीच की डिस्टेंस दी। क्या मैंने पहला और दूसरा चार्ज का सिस्टम बना लिया? हाँ सर बना लिया। चलो पहले से तीसरे का भी बना लो, पहले से तीसरे का भी बना लो। तो क्या के Q1
क्यू थ्री बाई डी, क्या ये बनेगा? हाँ सर ये बनेगा के क्यू वन क्यू थ्री बाई डी, के क्यू वन क्यू थ्री बाई डी। क्या मैंने पहले से तीसरे का भी बना लिया? हाँ बना लिया। अब पहले चार्ज को छोड़ दो, क्या कोई और चार्ज बचा है क्या? नहीं। तो अब आ जाओ सेकेंड पे। जब तुम सेकेंड चार्ज पे आओगे तुम्हें बिल्कुल सेम यही स्टेप रिपीट करना है सेकेंड का, बाकी सबके साथ एक बार कॉम्बिनेशन देखो। सेकेंड का सबसे पहले फर्स्ट के साथ देखो, क्या सेकेंड का फर्स्ट के साथ जो भी एनर्जी होती है इंट्रेक्शन की वो तुम पहले ही लिख रखे हो। हाँ तो तुम्हें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम्हें दोबारा वो फॉर्मूला लिखने की, जो पेयर एक बार तुमने लिख लिया है उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर सेकेंड को फर्स्ट से देखू तो मुझे कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, सेकेंड का थर्ड से हाँ सर लिखना पड़ेगा। क्या आएगा बेटा? के क्यू टू, पर क्यू टू नेगेटिव है तो एक माइनस आ गया होगा क्यू थ्री बाई डी के बराबर। क्या सारे ही पेयर बन गए? हाँ। थर्ड चार्ज पे आओ, थर्ड से फर्स्ट का कैसे पहले पेयर हो चुका है? हो चुका है। थर्ड से सेकंड का कैसे पहले पेयर हो चुका है? हो चुका है। तो थर्ड से हमें किसी का भी लिखने की जरूरत नहीं है। और ये जो फॉर्मूला मतलब ये जो सिस्टम है इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो भी होगी आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है, बिल्कुल ध्यान से देखो। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो गौर करने की है वो ये है कि जब दो चार्ज का सिस्टम था, कितने चार्ज का? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितनी बार यूज किया था? एक बार। क्यों बेटा? बात समझते हो? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने सिर्फ एक बार यूज किया था। जब तीन चार्ज का सिस्टम है, कितने चार्ज का सिस्टम है बेटा? एक दो तीन। जरा देखो फॉर्मूला कितनी बार इस्तेमाल हुआ है? एक दो तीन बार इस्तेमाल हुआ है। एक दो तीन, तीन बार इस्तेमाल हुआ है। सर क्या करवाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो? बताऊंगा, बस दो मिनट और उनको बताता हूं। चलो एक बार इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, उससे पहले इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से आप बेटा नोट कर लो। उस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखो। इस बार चार चार्जेस हैं Q, Q, Q। मैंने सारे ही चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के ले लिए हैं, साइन में भी और मैग्नीट्यूड में भी, सारों को Q ले रखा है। अब मुझे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। सबसे पहले बेटा चार्जेस को नाम दे लो, वन टू थ्री फोर, मान लो वन टू ये हो जाए थ्री और ये हो जाए फोर। सबसे पहले फर्स्ट पे चलो और फर्स्ट से सेकंड का देखो कॉम्बिनेशन। एक सिस्टम ये भी तो है? हाँ सर है। तो फर्स्ट और सेकंड क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी? देखो U सिस्टम निकल के आएगा, U सिस्टम निकल के आएगा K Q स्क्वायर बाय D। ये हो गया फर्स्ट का सेकंड के साथ, फर्स्ट का थर्ड के साथ लिखो, फर्स्ट का थर्ड के साथ लिखो, प्लस K Q स्क्वायर बाय रूट टू डी, क्योंकि डायगनल है अब वो दूरी, डायगनल है अब वो दूरी। चलो ये भी हो गया। हाँ सर फर्स्ट का फोर्थ के साथ देखो, फर्स्ट का फोर्थ के साथ देखो, तो प्लस के क्यू स्क्वायर बाई डी, फर्स्ट का फोर्थ के साथ हो गया। हाँ सर हो गया, फर्स्ट के सारे हो गए। हाँ सर हो गए। तो चलो सेकंड पे आओ, क्या सेकंड का फर्स्ट के साथ पहले ही लिख चुका है? हाँ सर लिख चुका है, लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है सर। सेकंड का थर्ड के साथ लिखो, सेकंड का थर्ड के साथ लिखो, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई डी, क्या सेकंड का थर्ड के साथ हो गया? हाँ सर हो गया। चलो सेकंड का फोर्थ के साथ लिखो, सेकेंड का फोर्थ के साथ लिखो बेटा, ये आ जाएगा प्लस k q स्क्वायर बाय रूट टू डी, k q स्क्वायर बाय रूट टू डी। हाँ सर k q स्क्वायर बाय रूट टू डी, सेकेंड का फोर्थ के साथ हो गया। चलो सेकेंड के सारे हो गए, अब थर्ड चार्ज पे आओ। थर्ड का फर्स्ट के साथ सर लिख चुका है, थर्ड का सेकेंड के साथ सर लिख चुका है, थर्ड का फोर्थ के साथ सर अभी लिखना बाकी है। तो चलो थर्ड का फोर्थ के साथ लिखो, तो वो लिख के आएगा प्लस k q square by d। ये हो गया थर्ड का फोर्थ के साथ, क्या थर्ड के सारे पेयर हो गए? हाँ सर। चलो फोर्थ पे आओ, फोर्थ का फर्स्ट के साथ हो चुका है, सेकंड के साथ हो चुका है, थर्ड के साथ हो चुका है, फोर्थ का हमें कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो भी चीज तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन निकल के आई इसको मैं और अच्छे से लिख लेता हूँ, फोर टाइम्स ऑफ k q square by d प्लस टू टाइम्स ऑफ k q square by root 2d। ये है आपके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। जरा देखो कितनी बार फॉर्मूला यूज किया, एक दो तीन चार पांच और छह, छह बार आपको इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ा है। जब चार्ज सॉरी सिस्टम पे कितने चार्जेस है बेटा? चार चार्जेस थे सिस्टम में, चार चार्जेस थे। जरा सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, जरा दिमाग लगाते हैं। जब सिस्टम में एक चार्ज था, सॉरी सिस्टम में एक चार्ज हो ही सकता, दो चार्ज था तो फॉर्मूला एक बार, तीन चार्ज हुए तो फॉर्मूला तीन बार, चार चार्ज हुए तो फॉर्मूला छह बार। क्या कितनी बार ये फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है? क्या मैं इसका जनरल फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूं, n n माइनस वन बाय टू? देखो चेक करो, सबसे पहले यहां पे टू पुट करो, जब दो चार्ज होंगे तो टू
इंटू टू माइनस वन बाई टू, टू इंटू वन बाई टू, टू से टू कटेगा क्या बचेगा बेटा वन। हाँ सर सही बेटा। जरा थ्री के लिए थ्री इंटू टू अपॉन टू, टू से टू कटा तीन बार लगाना है। हाँ सर सही बेटा। फोर इंटू थ्री बाई टू, क्या फोर थ्री ट्वेल्व बाई टू सिक्स होता है। हाँ सर सही बैठा। हाँ सर सही बैठा। तो मैंने तुमसे पहले कहा था, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमको तीन चार्ज का, चार चार्ज का तो सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें आठ चार्ज का होमवर्क देने वाला हूँ। जरा अपने दिमाग में एक बार ऐसे कैलकुलेट करके बताओ, आठ चार्जेस के सिस्टम में ये फॉर्मूला कितनी बार लगाओगे, कितनी बार लगाओगे बच्चों? तो 8 इंटू सेवन बाई टू, 8 सेवन जो 56, 56 बाई टू 28 टाइम्स लगाएंगे सर। बहुत ही आसान सवाल होगा। यहां से शुरू करेंगे, वहां तक जाएंगे, 28 बार कॉम्बिनेशन लिखेंगे और फिर हमारा आंसर आएगा। अरे बेवकूफ हो, 28 बार लिखोगे? नहीं ना सर, हम इतना टाइम तो नहीं दे सकते हैं। हम इतना टाइम देंगे तो एक पेयर भी छूटेगा, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो फिर कैसे करोगे सर? अगर क्यूब के सारे कॉर्नर पे आ जाए, तो क्यूबॉइड के सारे कॉर्नर पे आ जाए, तो कैसे करेंगे हम ये सवाल? इसलिए मैंने सारे चार्जेस बिल्कुल सेम लिए थे, क्योंकि मैं आपको एक और तरीका सिखाना चाहता हूं। बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। उससे पहले आप इस रिजल्ट को नोट करो, आप इस रिजल्ट को नोट करो, क्योंकि मुझे जो नया तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, मुझे देखना है क्या ये सेम आंसर आता है कि नहीं। देखो एक और तरीका होता है, पर यह फॉर्मूला सिर्फ तब वैलिड होगा जब सिस्टम पर मौजूद हर चार्ज एक जैसा हो। अगर हर एक चार्ज एक जैसा है तो यू सिस्टम लिखने का एक फॉर्मूला और होता है, एन बाई टू, एन इज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन सिस्टम, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन सिस्टम, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन ऑफ वन ड्यू टू एनी अदर चार्ज एन। इसको कैसे समझाना है मेरी बात सुनो। इसका मतलब होता है, मान लो चार चार्ज है तो मैं लिखूंगा फोर बाई टू ब्रैकेट में फर्स्ट का बाकी सबके साथ एक एक बार, तो फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला, फर्स्ट थर्ड का और फर्स्ट फोर्थ का, तीन फॉर्मूले इनटू ये सीधा आंसर। देखो जो छह फॉर्मूले लगाने पड़े थे अब सिर्फ तीन में काम हो गया, सर सॉल्व करके दिखाओ, थोड़ा और क्लियर करो, मुझे अभी समझ नहीं आया। चलो मैं इस सवाल के लिए दिखाता हूं। क्या मैं यू सिस्टम लिखना चाहूं तो लिख दूंगा फोर बाई टू, पहले फर्स्ट का सेकेंड से क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई डी, फिर फर्स्ट का थर्ड से के क्यू स्क्वायर बाई टू डी, फिर फर्स्ट का फोर्थ से के क्यू स्क्वायर बाई डी। जरा इसको और आसानी से सॉल्व करो बेटा, फोर बाई टू टू होता है सर, के क्यू स्क्वायर बाई डी, के क्यू स्क्वायर बाई टू, फिर से टू के क्यू स्क्वायर बाई टू होगा, बाहर एक टू और रहते हैं फोर के क्यू स्क्वायर बाई डी प्लस टू के क्यू स्क्वायर बाई रूट टू डी। एक मिनट, ये वही रिजल्ट है जो यहाँ नजर आ रहा है आपको? हाँ सर, ये तो वही रिजल्ट है। तो इसका मतलब एक ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर देने का। जो फॉर्मूला आपको 28 बार यूज करना पड़ता, विश्वास मानो वो सिर्फ 7 बार इस्तेमाल करके आंसर लेते आओगे। अगर आपको एक क्वेश्चन दे दूं मैं करने के लिए, अगर नहीं मैं दे ही रहा हूं आपको एक क्वेश्चन लिख लो आप लोग, क्यूब के आठों कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, स्मॉल क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट ऑल द कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड एल। एक क्यूब है जिसकी साइड L के बराबर और उसके आठों कॉर्नर पे स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम? तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की लिखनी है। इस तरीके का इस्तेमाल करो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखो बेटा, लिखो। तो मैंने तुमको देखो क्या-क्या सिखा दिया है, आखिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये सिखा दिया है, स्केलर वेक्टर में डील करना सिखा दिया है। स्केलर वेक्टर के साथ साथ चलो मैंने एक चीज नहीं बताई है, अब बता देता हूँ, यूनिट क्या होगी? तो वर्क डन ही तो है सर, पोटेंशियल एनर्जी जूल ही होगी। क्या होगी बेटा? जूल ही होगी। और सुनो ध्यान से, नहीं बेटा जूल ही नहीं होगी, जूली के ख्याल मत को, जूल ही होगी मैं बोल रहा हूँ सालो। देखो ध्यान से समझो मेरी बात, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट इज जूल, ठीक है? अब मेरी बात और सुनो ध्यान से, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखना मैंने आपको सिखा दिया है और इस टॉपिक के बिना चैप्टर में आगे नहीं बढ़ पाओगे बेटा, अगर तुम सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखना जानते हो तो। तो अगर तुम्हें समझ नहीं आया है तो प्लीज एक बार दोबारा देख लो। हालांकि इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, मैं कुछ और भी स्पेशल क्वेश्चंस या फिर कुछ और वैरायटी लाता हूं आपके पास क्वेश्चंस के लिए। तब तक इतना अच्छे से नोट करो बेटा। तो ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, जिसमें मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। बिल्कुल ध्यान से समझो, ये जो क्वेश्चन है इसमें मुझसे कह रहा है कि मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, Q1 और Q2, और दोनों का मास भी दे रखा है इस बार M1 और M2। इनके बीच की सेपरेशन मुझे पता है स्मॉल r के बराबर है। अभी कितनी है बेटा? स्मॉल r के बराबर है। अब मैंने यहां से चार्ज पार्टिकल को इसे रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो क्या होगा सर? दोनों पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा, दोनों के बीच रिपल्शन होगा। अगर रिपल्शन होगा तो दोनों दूर भागेंगे। अगर दोनों दूर भागेंगे बेटा, तो कभी ना कभी
यानी क्या इनके बीच की जो सेपरेशन है वो बदल के 2r हो जाएगी क्या? हाँ सर बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अभी ये चार्ज q1 होगा, इसका मास m1 होगा और ये इधर भागते भागते इसके पास एक वेलोसिटी आ गई होगी v1। उसी तरीके से ये q2, इसका मास m2 और ये भी इधर जा रहा होगा वेलोसिटी v2 से। सवाल मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा आप सबको। सवाल बस यही कहता है कि अगर r डिस्टेंस पे दो चार्ज को रख के मैंने रिलीज किया तो बताओ उन दोनों ही चार्जेस की वेलोसिटी क्या होगी जब सेपरेशन बदल के 2r हो चुका होगा, जब सेपरेशन बढ़ के बेटा 2r हो चुका होगा। बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना, बेहद आसान सवाल है और बिल्कुल वर्क पावर थ्योरम, सॉरी वर्क एनर्जी चक्र जो पढ़ा था उसके बेसिस पे सवाल कर दूंगा मैं आपके सामने। पहली बात तो ये चेक करो कि सिस्टम में कौन कौन से फोर्स हैं। सर सिर्फ एक फोर्स है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिर्फ एक ही फोर्स है, वो कौन सा है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है? हाँ सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और अगर कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो किसी सिस्टम पे जब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे होते हैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम का एक फॉर्म ये भी कहता था कि उस सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी से मेरा मतलब है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या रहने वाली है बच्चों? कंजर्व रहने वाली है। बस देखो बहुत ही आसानी से, v1 और v2 दो अननोन है तो कम से कम कितनी इक्वेशन चाहिए बच्चों? दो। उसमें से पहली इक्वेशन कहां से मिलेगी बेटा? एनर्जी कंजर्व करके। सर तो देखो इनिशियली, इनिशियली यानी ये वाला फिगर, इस समय काइनेटिक एनर्जी क्या है सिस्टम की? जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? k q1 q2 by r। देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एनर्जी कंजर्व करूंगा। पहली इक्वेशन निकालने के लिए u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। ध्यान से देखो, u इनिशियल मतलब क्या? k q1 q2 by r प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सर जीरो इज इक्वल टू यू फाइनल। फाइनल वाला फिगर देखो, फाइनल वाला फिगर देखो, जरा बताओ, जरा बताओ दोनों चार्ज के बीच सेपरेशन सर 2r, 2r। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की के क्यू वन सॉरी के क्यू वन क्यू टू बाई 2r प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो सर उसकी हो जाएगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। यह है इक्वेशन नंबर वन। एक इक्वेशन दो अननोन सॉल्व होंगे क्या? नहीं सर, नहीं होंगे। एक इक्वेशन दो अननोन कभी सॉल्व नहीं होंगे, मतलब एक और इक्वेशन लानी होगी इस सवाल को करने के लिए बेटा। और वो इक्वेशन कहां से आएगी? बिल्कुल ध्यान से समझो, देखो ध्यान से, इस चार्ज ने इस चार्ज पे जो फोर्स लगाया क्या एक्सैक्टली उतना ही मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट डायरेक्शन में इसने इस पे लगाया? हाँ सर। अगर मैंने इसको एक सिस्टम माना, अगर मैंने इसको एक सिस्टम माना, ध्यान से देखो सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है सर? जितना इधर है उतना इधर है, नेट फोर्स जीरो है। और अगर सिस्टम का नेट फोर्स जीरो होता है तो सिस्टम में मोमेंटम भी कंजर्व किया जा सकता है। क्या कंजर्व किया जा सकता है बेटा? मोमेंटम। तो फाइनल फिगर में मोमेंटम कंजर्व करोगे तो मैं लिखूंगा एम वन वी वन इज एक्जेक्टली इक्वल टू एम टू v2। मैंने डायरेक्शन वगैरह सबको लेके माना है, ये है m1 v1, ये है m2 v2। m1 v1 is equal to m2 v2। अगर आपको ऐसा समझ नहीं आया तो देखो, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ऐसे लिखो। इनिशियल मोमेंटम जीरो है क्योंकि पहले कुछ नहीं चल रहा था, देखो ध्यान से, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूं बच्चों, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं तो मैं इसको लिखूंगा m2 v2 माइनस एम वन वी वन। क्यों? क्योंकि वी वन वेक्टर उस डायरेक्शन में था। यहां से भी एम वन वी वन बराबर एम टू वी टू आ जाएगा। देखो बच्चों, दो इक्वेशन है, दो अननोन, यहां से आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेना। मैं नहीं कर रहा हूं आपके लिए अभी क्वेश्चन यहां पे सॉल्व, इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे और आपको वी वन और वी टू दोनों ही वेलोसिटीज बहुत आराम से मिल जाएगी। तो देखो कितना ज्यादा आसान हो गया पोटेंशियल एनर्जी की मदद से सवाल को करना। बिना पोटेंशियल एनर्जी के सवाल करने चलोगे बेटा एक पेज से ऊपर जाएगा, इंटीग्रेशन वगैरह सब इस्तेमाल करते रह जाओगे। फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, आप यहां से क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैं और दिखाता हूं आपको, फिर से मैं यही दो क्वेश्चन का यूज करके आंसर निकालता हूं। देखो इनफैक्ट इनका भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और आसान ही है वो सवाल। देखो मुझसे कहता है कि ओरिजिन से ए डिस्टेंस इधर, ए डिस्टेंस इधर दो पॉजिटिव क्यू चार्ज को मैंने फिक्स कर रखा है, एक तीसरा चार्ज है ए डिस्टेंस यहां वाई एक्सिस पे, ये माइनस क्यू है। कैसा है बेटा? ये माइनस का क्यू है और ये फ्री किया है, ये फ्री है, ये फिक्स नहीं है, ये फ्री है। ये कैसा है बेटा?
फ्री है, मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर ये फ्री है तो क्या ये क्यू इस क्यू पे अपनी तरफ एक फोर्स लगाएगा? हाँ सर। क्या ये क्यू इस क्यू पे अपनी तरफ एक फोर्स लगाएगा? हाँ सर। क्या इन दोनों ही फोर्स का एक कंपोनेंट नीचे आएगा बल्कि दूसरा कैंसिल हो जाएगा? हाँ सर। तो क्या इस चार्ज पे नेट फोर्स नीचे लगेगा? हाँ सर। अगर इस चार्ज पे नेट फोर्स नीचे लगेगा तो क्या नीचे भागेगा? हाँ सर। और अगर ये चार्ज नीचे भागेगा तो कभी ना कभी ओरिजिन से पास करेगा? बिल्कुल सर करेगा, बिल्कुल सर करेगा। तो सवाल यही है कि जब ये चार्ज ओरिजिन से पास करेगा तब इसकी कितनी वेलोसिटी होगी? वेलोसिटी होगी कैसे करेंगे सर? बहुत आसान है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की अभी भी कंजर्व है। कैसे? नेट फोर्स की बात ही नहीं होती, सारे फोर्स देखो ध्यान से सब कंजर्वेटिव नेचर के हैं, सारे ही कंजर्वेटिव हैं। तो नेट पोटेंशियल सॉरी सिस्टम की टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो देखो इनिशियल, देखो इनिशियल कुछ चल रहा है नहीं, इनिशियल एक सिस्टम है हाँ, कितने चार्ज का? तीन। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखो यू इनिशियल, यू इनिशियल लिखो, वो आ जाएगा के क्यू माइनस क्यू, मैं पहले इन दोनों का पेयर बना रहा हूं बेटा, के क्यू माइनस क्यू अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस, ये ए, तो क्या ये रूट टू ए आएगी? बढ़िया। प्लस फर्स्ट का थर्ड से के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए, बढ़िया। फिर सेकंड का फर्स्ट से, सर पहले लिख चुके हो, सेकंड का थर्ड से लिख दो सर, लिख दो, क्या आएगा? के क्यू माइनस क्यू अपॉन रूट टू ए। हाँ सर, ये है सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये है सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो है सर, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है? जीरो है। चलो सर अब फाइनल में बात करते हैं। फाइनल में क्या ये क्यू है जो फिक्स है? क्या ये क्यू है जो फिक्स है? ओके, यहां आ चुका होगा माइनस क्यू, नीचे जा रहा होगा किसी वेलोसिटी वी से, नीचे जा रहा होगा किसी वेलोसिटी वी से। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखो जरा, यू फाइनल लिखो, पहले इन दोनों का पेयर के क्यू माइनस क्यू अपॉन ए प्लस पहले का तीसरे से पेयर के क्यू स्क्वायर बाई टू ए प्लस अब इन दोनों का पेयर के क्यू माइनस क्यू अपॉन ए। हाँ सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? क्योंकि बाकी दोनों चार्ज तो फिक्स हैं, तो हाफ एम वी स्क्वायर, बस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल करो बेटा, तुरंत तुम्हारा आंसर आ जाएगा इस सवाल में कि आखिर वो जो माइनस क्यू चार्ज है जब वो ओरिजिन से गुजरेगा तो उसकी कितनी वेलोसिटी होने वाली है। तो बहुत ही ज्यादा आसान सवाल थी ये दोनों इलस्ट्रेशन जिसमें हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज किया है। और भी दो सवाल आपको और कराता हूँ, नहीं एक कराऊंगा, एक आपके लिए होमवर्क रहेगा ध्यान से देखना, वो सवाल बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में पहले कई बार पूछे गए हैं, इसलिए देखो ध्यान से। तुमसे कहेगा, तुमसे क्या बोलेगा देखो, कहेगा तीन चार्ज पार्टिकल्स एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर पर रखे हुए हैं। मान लो ट्राइंगल की लेंथ सॉरी साइड एक ही है, ए बराबर है, वैसे जनरली क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर दिया रहता है जहां तक मुझे याद है। देखो ध्यान से, ए है इसकी हर एक साइड और रखे हुए हैं तीन चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 Q3। तुमसे कहता है कि बताओ किसी एक्सटर्नल एजेंट को कितना काम करना पड़ेगा इन तीनों ही चार्ज को उठा के दूसरे इक्विलेटरल ट्रायंगल पर रखने के लिए जिसकी साइड 2a के बराबर है, जिसकी साइड बेटा 2a के बराबर होने वाली है। मतलब स्टार्टिंग में तीनों ही चार्ज पार्टिकल ए लेंथ की ट्रायंगल की साइड पर, सॉरी ए लेंथ की साइड्स के इक्विलेटरल ट्रायंगल पे हैं, लास्ट में उन्हें 2a पे लेके आना है। कैसे करोगे मैं नहीं बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखो, तुम खुद करना, बिल्कुल बस हिंट देता हूं। क्या तुम पहले इस छोटे ट्रायंगल की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो? हां सर। अब तीनों को बड़े पे लेते जाओ, क्या तुम बड़े की फिर से लिख दोगे? हाँ सर, बड़े की जो लिखी वो है फाइनल, छोटे की जो लिखी वो है इनिशियल। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज एक्चुअली वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट आंसर है। सेम काम तुम्हारे लिए स्क्वायर पे आता है, ए साइड के स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे चार्ज रखा रहेगा, कहेगा उठा के 2a की साइड पे रखना है, बताओ कितनी कितने वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो क्या करोगे? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखना, फाइनल लिखना, पर इस पर इनिशियल माइनस फाइनल करना, क्योंकि तुमसे एक्सटर्नल का वर्क नहीं पूछा है, तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड
का वर्क पूछा है, बहुत ही आसान सवालों में से कुछ सवाल हैं बोर्ड के लिए, मैंने बताया इसलिए ही नहीं है क्योंकि शायद ये बेहद ही आसान सवाल में से कुछ थे। तो उम्मीद है कि ये आज का लेक्चर तुम्हें समझ में आया होगा, मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझना, इसकी जरूरत पड़े तो जरूर से दोबारा इस लेक्चर को एक बार देखना, नोट्स अच्छे से बनाओ, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे मिलेंगे इसके, कल की क्लास में भी हम लोग काफी सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे और पोटेंशियल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए बस हंसते रहो, खुश रहो, खाओ पियो, अपना ध्यान रखो और अपने भविष्य का भी ध्यान रखो। चलो धन्यवाद।